हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है उम्मीद करती हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दिस इज महाम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू माई इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल तो जी अभी है सुबह का टाइम आज मैंने मॉब भी किया है मॉब जो है वो मैंने कल रात को भी किया था और अभी भी कर दिया ताकि बिल्कुल एकदम से और साफ हो जाए क्योंकि ऐना जो है वो आजकल क्या कर रही है उसने माशाला से अपना चलना स्टार्ट कर दिया है मतलब कल तो उसने हाफ स्टेप्स लिए थे ना तो आज उसने यहाँ से लेकर वो वहाँ तक गई है मैंने कहा क्या, क्या मैं फटाफट कैमरा लेने के लिए भागी मैंने कहा चलो ना इसका एक क्लिप बना लेती हूँ लेकिन जब तक मैंने फ़ोन वगैरह ऑन किया उस टाइम में ना वो अपना बैलेंस आउट कर चुकी हुई थी तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी होती है कि मैं उसका यानी कि वॉकिंग वाला उसका जो सारा पीरियड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे देखें राइट साइड पे प्यारा सा एक सब्सक्राइब का नाम लिखा आ रहा होगा तो आपने उस पर देना है और उसके साथ इतनी प्यारी क्यूट सी ना एक बेल बनी हुई है तो आपने उस पे भी क्लिक कर देना है ताकि आपको जो मेरे व्लॉग्स उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो बस इतना सा काम करना है तो देख के इस बात की जल्दी से सब्सक्राइब करें तो चलिए ठीक है हम करते हैं अपने इस व्लॉग को स्टार्ट तो चलिए आज देखते हैं कि हमारा वेदर कैसा है अरे वाह कितने प्यारे बादल लग रहे हैं ऐसे अलग अलग जैसे रुई की तरह कॉटन की तरह फ्लफी फ्लफी कितने अच्छे लग रहे हैं ना और वाह भी वाह आज हालांकि इस टाइम यूजली क्या होता है कि धूप निकली होती है ये सूरज यहाँ पे है कितना ऑसम वेदर लग रहा है वाह और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है मैं कह रही थी कि इस टाइम ना क्या होता है कि धूप निकली होती है और आज मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही अभी देखिए हवा भी हल्की हल्की चल रही है बहुत अच्छा वेदर है इस टाइम तो ये ऐसे यानी कि फिरने वाला हुआ हुआ है वरना क्या कहते हैं कि इस टाइम तो इतनी धूप ऐसे सर पे बजरी होती है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मौसम चेंज होगा फॉल स्टार्ट होगा सर्दियाँ आएंगी तो ये जो ग्रीनरी सारी आप देख रहे हैं ना सारी ग्रास ये सारी डेड हो जाएगी तो चले आज की वेदर फोरकास्ट हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है अब चलते हैं अंदर जी तो अभी होने लगी है शाम और समझे अभी दोपहर का ही टाइम है एना अपना नेप लेकर उठी है मैंने कहा कि ना इसको मैं वॉक पे लेके चलती हूँ आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ थोड़ा रूटीन से हट के वरना ना हम खाना खाने के बाद आते होते हैं आज मैं एना को लेके भी अभी से ही आ गई और ये इसका मैंने इसे पिकअप और ये इसके स्नैक्स और मैंने अपना वाटर भी रख लिया साथ शाम को भी आऊँगी थोड़ी सी वॉक करने के लिए लेकिन वो खाना खाने के बाद थोड़ी डिफरेंट वॉक होती है ना अभी बहुत ही अच्छा मौसम था मैंने कहा चलो ऐना को भी चेंज मिल जाएगा तो अब हम आ गए हैं मैं और एना बहुत लंबी वॉक करके लंबी इतनी कि यहाँ से पूरी रोड आगे तक मैं और एना गए फिर हमने बातें की फिर मैंने ऐना को बर्ड्स दिखाए ट्रीज दिखाए और अभी भी हालांकि ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो रही है लेकिन नहीं अभी थोड़ी सी ना दोपहर वाला ही टाइम है तो बस हम चलते हैं और फिर अब हम करते हैं अपने खाने की तैयारी और ऐना को मैं इसका नैप दिलाती हूँ ताकि ये ना फिर मुझे आराम से काम करने दे। यहां पे जो हमारे फ्लावर्स वगैरह थे ना वो खत्म हो चुके हैं यानी कि जो सीजनल थे वो बिल्कुल खत्म हो गए अब यहाँ पे न्यू लाके लगाएंगे ताकि यहाँ पे थोड़ी सी रौनक रहे जो पहले लगे हुए थे ना वो बिल्कुल डेड हो गए फिर इसलिए हमने खत्म कर दिए तो आज मैं बना रही हूँ शाम के खाने में चने वाले राइस और साथ चिकन वाले कबाब और साथ रायता इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना ये और जो राइस है वो हमने काफ़ी ब्रेक दे दी इसलिए मैंने कहा कि आज ना राइस खाने को दिल कर रहा है तो आज हम राइस बनाते हैं और कौन से राइस वो चने वाले तो चने जो है क्योंकि अचानक मेरा प्लान बना तो जो चने हैं वो मैं कैन वाले यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह इन्होंने कैन के अंदर चने बॉयल करके कैन्स बना के रखे होते हैं तो इनको बस मैंने स्ट्रेन करके इनका पानी अच्छे से यानी कि वॉश कर लिया मैंने और ये क्विक यानी कि बन बनने वाले हैं इसके लिए टेंशन नहीं होती कि चने भिगो के रखने हैं ओवरनाइट रखने हैं या कब रखने हैं तो हम इस तरह के ना इमरजेंसी के लिए ले आते हैं कि जब हमारा जिस आज दिल कर रहा है तो खाने को तो ताकि हम कैन निकाल लें और फ़ौर से हम अपनी चीज़ रेडी कर लें इस यानी कि पुलाव के लिए नहीं मतलब कि चने वाले राइस के लिए नहीं ये हम सालन के लिए भी यूज कर लेते हैं तो चले बस यहाँ पे मेरा जो प्याज है और जो जो मैंने टोमेटो अंदर डाला है वो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है प्याज भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब इसके अंदर मैं जो स्पाइसेस डाल के और फिर चने अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर राइस यानी कि पानी डाल के राइस डाल दूंगी और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और इसके अंदर ना मैं डालती होती हूँ ये कनोर क्यूब्स की चिकन कनोर क्यूब्स जो होती है ना इनकी ये दो ऐसे क्यूब्स फिर ना मैं सॉल्ट नहीं डालती क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है लेकिन इससे फ्लेवर बहुत मजेदार हो जाता है तो बस मैं हल्का सा डालती हूँ थोड़ा सा ना इस पे कलर बड़ा प्यारा आता है जब एंड पे थोड़ा सा येलो येलो टिंटेड कलर आ रहा होता है ना तो वो बहुत ही प्यारा लगता है और थोड़ी सी मैंने जो रेड चिली है वो डाली है थोड़ी सी बिल्कुल और सॉल्ट नहीं डालना है क्योंकि सॉल्ट जो हमारी क्यों में ऑलरेडी सॉल्ट है तो अब ना मैंने चने भी डाल दिए अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने हमारे जो हैलो पिनो है वो भी मैंने एक डाल दिया लेकिन ना उसको मैंने अंदर से कट नहीं किया क्योंकि ये वाले राइस और ऐसे भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे तो ऐना नहीं खा सकेगी इसलिए मैंने ऐना को भी खिलाने हैं तो अब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आता है फिर मैं अपने राइस ऐड करूँगी और फिर मैं आपको हर चीज़ की फाइनल लुक एंड पे प्रजेंट करके दिखाती हूँ जी तो यहाँ पर मैंने चिकन के कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं एक साइड हो चुकी हुई है अब दूसरी साइड हो रही है और इधर चालों को भी दम आ गया है तो जैसे ही ये डन होते हैं फिर ना मैं आपको इकट्ठे करके एक लुक दिखाती हूँ जी तो अब मैंने खाना वगैरह बना के बिल्कुल डन कर दिया है लेकिन अब ना मैं सबके इकट्ठा होने का वेट कर रही हूँ जब सब अपने यानी कि जॉब वगैरह से आ जाएंगे तो हम मिलके खाना खाएंगे और अभी मैं सन रूम में आ गई हूँ ये एना बोल रही है क्योंकि मैं ऐना को लेके बाहर आके बैठी हूँ सुबह मैं इसके साथ वॉक करने गई थी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मौसम अच्छा था ना इसलिए फिर वॉक करने में मजा आया अब है ना अपने ना प्ले पेन में बैठी हुई है इसका जो प्ले पेन हमने रूम में रखा हुआ था ना जहाँ पे अब हमने क्रिब रख दी है तो अब वो हमने सन रूम में इसलिए रखा है ताकि ना वो जब यहाँ पे आए बैठे तो हम इसको ना इसके अंदर डाल दें और ये अपना खेलती रहे क्योंकि तो एक्स्ट्रा स्पेस थी हमने कहा चलो यहां पे रख देते हैं जब तक वो थोड़ी और बड़ी नहीं हो जाती चलें ठीक है जब सब आएंगे फिर हम खाना खाएंगे जी तो यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर दिए है ये रहे हमारे मज़ेदार से यमी यमी चने वाले राइस और ऊपर हमारी घर की हेलोपिनो और इधर है हमारे चिकन वाले कबाब बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और इधर है धनिया पुदीने का रायता और ये रहा हमारा कोसला सैलड तो बस अब हम करते हैं जल्दी से खाना स्टार्ट हूँ बहुत मज़ेदार लग रहा है तो यहाँ पे मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी और यहाँ पे ये देखें ये क्या चीज है अक्सर यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग वगैरह एंड करती हूँ मेरी बास्केटबॉल के पास आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे ये क्या है जैसे कोई पाइप है इतना बड़ा या क्या चीज हो सकती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज हो सकती है ये खुलता भी है ये देखें तो ये एक मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये छोटे छोटे तीन चीजें बनी हुई है। हैं तो यानी क्या, है तो है है। तो क्या चीज है और इसका जवाब जो है वो मैं अपने कल के ब्लॉग में दूंगी तो ठीक है मैं अपना करूंगी ब्लॉग यहाँ पे एंड अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में अपना बहुत सारा ख्याल रखें बाय बाय